उम्रा वीजा और विजिट वीजा को सऊदी हुकूमत ने कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कोरोना वायरस मक्के में पाया गया, जिसके नतीजे में सऊदी हुकूमत ने सारी फ्लाइट्स पर रोक लगाई। अभी तक सऊदी हुकूमत ने ये नहीं बताया कि फ़्लाइट्स पर कितने दिनों की रोक लगी है। मुसाफिरीन जो कि उम्रा और विजिट के लिए जा रहे थे, उनको एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। यहाँ सब ठीक हो गया, उसके बाद ही आप जा सकते हैं परफॉर्म करने के, बिकॉज आप वहाँ पर जाओगे और तुरंत तुरंत पकड़ती है वैसी बीमारी। आपको आने में उसके अभी तक कोई इलाज भी नहीं मिली है। वैसे इसका टाइम कितना दिया है? बंद है वैसे कुछ टाइम नहीं दिया है, दो चार पाँच कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं टाइम नहीं है, कुछ टाइम नहीं। जब तक वो होगा नहीं तब तक परफॉर्म मतलब जा नहीं पाएंगे। टिकट चेंजेस के अलावा जो मेन एजेंट है उसको हमारे कॉल सेंटर कॉल करना, बिकॉज वो ग्रुप बुकिंग वहाँ से टिकट चेंज तो मतलब मालूम नहीं कितने तारीख को करना है, पर हमको बता के रख सकते हो जो भी। देखिए हाजी साहब, आसान उसमें समझा दूँ मैं आपको। ये भाई ये बता रहे हैं कि कोरोना वायरस जो सबने सुना है नाम चाइना में जो चल रहा है, वो मस्जिद हरम में मतलब मक्के के अंदर मस्जिद के अतराफ के अंदर वो चीज़ पाई गई है, समझ रहे हैं आप? वो चीज़ पाई गई है वहाँ पे। तो सऊदी हुकूमत ने पूरे उम्रा पिलग्रिम्स को यहाँ से जाए दुनिया में कहीं से भी जाए सब पे रोक लगा दी है, सब पे सारी फ्लाइट पे रोक लगा दी है, ठीक है ना, सारी फ्लाइट पे रोक लगा दी है। और अभी कोई टाइम नहीं दिया कि पाँच दिन बाद, चार दिन बाद, दस दिन बाद, आठ दिन बाद कब। ये टिकट, ये पासपोर्ट, ये वीज़ा, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में वैलिड है। अब इसके बाद ये बताएंगे, ये नहीं सऊदी इनको बताएगी, इन्फॉर्म करेगी सबको कि भाई हम इस दिन उम्रा पैसेंजर अलाउ करेंगे, क्योंकि जिस जगह हम जा रहे हैं मस्जिद मतलब मक्का में हरम में, उस जगह पे वो चीज़ पकड़ी गई है। इसकी वजह से जितनी भी हवाई जहाज हैं, जितने भी जहाँ से उड़ रहे थे वो सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने कैंसिल कर दी है, उस पर रोक लगा दी है कि अभी कोई भी उम्रा करने वाला हाजी उम्रा करने नहीं आएगा, उसकी एंट्री नहीं होगी। फोटो ले लीजिए सऊदी गवर्नमेंट। अगर आप हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप हमारे वीडियो देख सकें। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।